ह्यूज ह्यूज मिस्टेक, बट आदित्य आगे आ रहे हैं, जॉनदर पोजीशन निकाल चुके हैं, बट अक्षय के द्वारा ये नॉकआउट निकाला गया है, स्पे लिया जा रहा है ओवर जेली के ऊपर भी, लेकिन नॉकआउट लेने में असक्षम, एंड इसी के साथ साथ आई बिलीव जॉनदन सोल का भी पोजीशन चेक करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए पोजीशनिंग मुझे लगता है पता चल चुकी है और सोल के खिलाड़ी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड है, ओपन में यहाँ पे दौड़ लगा चुके हैं, इस बात का अगर अंदाजा जॉनथन को यहाँ पे लग जाता है कि वो टॉप टू पे आ चुके हैं, उनका स्प्रे वहाँ पे आने का पूरी यहाँ पे संभावना रहेगी। अभी की बात करें टीपी ले रहे कितना समय तक अपने आप को रोक सकते हैं, ग्रेनेड जाएगा गोब्लिन का, जल्दी आदित्य दोनों को यहाँ पे टेक आउट करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जली को फिलहाल वापस से एक और ग्रेनेड जाएगा, लेकिन जो अभी यहाँ पे अभी की तरफ ये ग्रेनेड जाने के चांस रहेगा, क्या कनेक्शन ढूंढने में कामयाब होगा, बिल्कुल प्लेस बोर्ड का हल्का सा शायद मोशन वर्सेस हेक्टर नहीं है यहाँ पर, अक्षत हेक्टर एंड गोब्लिन वर्सेस जॉनथन देखने का मौका मिलेगा, 1v3 का मौका है जॉनथन के पास, टीम सोल विद अ 13 फिनिश गेम, 14 फिनिशेस गेम, टीम सोल के लिए एक बेहतरीन चिकन डिनर, 14 फिनिश पॉइंट्स के साथ साथ, एंड गोब्लिन जो वो फिनिश पॉइंट सिक्योर किए, आई मीन कम ऑन गाइस, 10 फिनिशेस, 71.43% कॉन्ट्रीब्यूशन, हैट्स ऑफ टू द एमवीपी ऑफ द मैच।